रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत के तहत रघुनाथपुरा गांव में एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल का क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में उपचार चल रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार सुबह के समय लावारिस पशुओं को खदेड़ने के लिए कृष्ण उर्फ विजय 41 साल जा रहे थे। किसी ने अपने खेतों की रखवाली के लिए करंट की तार लगा रखी थी। जैसे ही पशुओं को खदेड़ते हुए कृष्ण उसका एक अन्य साथी वहां पहुंचे तो करंट की चपेट में आ गए और कृष्ण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और सबको पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि लोगों ने अपने खेतों की पशुओं से रखवाली के लिए करंट की तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से कृष्ण काल का ग्रास बन गया। पुलिस मामले की गहनता में जुट गई है। उधर ग्राम पंचायत प्रधान प्यारेलाल चौधरी ने पीड़ित परिवार को जिला प्रशासन से मुआवजे के तौर पर आर्थिक सहायता की मांग की है। प्रधान ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा, आज यहाँ हमारे गांव में सुबह 7:15 बजे के करीब यहाँ पर खेतों में जो 12 बैल घूम रहे थे उनको अपने खेतों से हटाते हुए जब दूसरे के खेत निकड़ाराम के यहाँ जो जमीन है उसमें जो लोग गए ये विजयराम उर्फ कृष्ण व नंदलाल व जसवंत सिंह आदि, तो जैसे ही वो बैल के पीछे दौड़ रहे थे उसी समय खेतों में कहीं किसी ने उन्होंने खेत वालों ने जो है वो बिजली की तार करंट लगा रखा था और वो तारे नीचे दिखती नहीं थी, जमीन के बराबर थी, तो जैसे ही बैल तो निकल गया लेकिन ये जो कृष्ण विजयराम उर्फ कृष्ण है ये वहां उन तारों की चपेट में आके इसको मतलब उसी टाइम वो गिर गया वहां, और पीछे जो दूसरा लड़का नंदलाल चला हुआ था उसको भी शॉट लगा। उसके बाद जो तीसरा था उसके हाथ में डंडा था, उसने वो देखी कि तारे यहां करंट लग रहा है तो उसने क्या किया कि डंडे से वो जो किनारे तारों को जो है वो एक सिर से तोड़ा, तो उसी समय कृष्ण की तो मौके पर ही मौत होगी इसकी, और ये नंदलाल है इसको बचा लिया गया है और इसको अभी जिला अस्पताल में भेज दिया गया है और उसका वहां इलाज चल रहा है। अभी मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया है, वो सब लोग जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है उसको कर रहे हैं।